उत्तराखंड हिमाचल में हुई लगातार वर्षा के चलते यमुना फिर उफान पर है। हथनी कुंड बैराज पर पानी लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह 6 बजे पानी बढ़ना शुरू हुआ और 9 बजे पानी का जो स्तर था 1,47,000 क्यूसिक हो गया, जिसके बाद जो फ्लड गेट थे वो खोल दिए गए। हथनी कुंड बैराज के सभी गेट 9 बजे खोले गए थे, उसके बाद पानी लगातार बढ़ता गया और दोपहर तक यह बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया, जिसे हाई फ्लड की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद पानी ने लगातार बढ़ना शुरू किया और यह लगातार यमुना के निचले इलाकों में आ रहा है और अगले 36 से 48 घंटों में दिल्ली पहुंच सकता है, जिससे हरियाणा के साथ लगते दिल्ली के कुछ इलाकों को भी प्रभावित कर सकता है और हरियाणा के यमुना के किनारे जो गांव हैं उनको प्रभावित कर सकता है। इसी को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। दूसरी तरफ यह पानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के जो बॉर्डर पर स्थित हैं हरियाणा के एरिए, उनको भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड और हरियाणा हिमाचल पर जो पोंटा रोड है यमुनानगर, वहाँ ये पानी पहुँचा है और यातायात को कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, यातायात प्रभावित हुआ था। हालांकि कुछ घंटों बाद वो यातायात खोल दिया गया, लेकिन पानी यमुना के किनारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, दिल्ली में भी कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। सुरेंद्र मेहता, MHN न्यूज, यमुनानगर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 70,000 युवाओं को रोजगार पत्र सौंपे। देश भर में 40 जगह पर रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और सभी को अलग अलग क्षेत्रों में जिनको नौकरी मिली है उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं उस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन तिरंगे की संरचना संविधान पीठ ने मंजूर की थी, तो जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए हैं वो काफी भाग्यशाली हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, पिछली सरकारों पर फोन बैंकिंग को लेकर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने कई मुद्दों पर और भी बातचीत की। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 से इनकी शुरुआत हुई थी और अभी तक करीब 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वो सौंप चुके हैं और खुद वो नियुक्ति पत्र सौंपते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाइव होकर के। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MHN। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो है वो अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इसी के साथ अगर बात की जाए तो पूरा सप्ताह यानी कि 7 दिन तक येलो अलर्ट प्रदेश में रहेगा। और अगर ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो आज जो है वो जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 8 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। और अगर बात की जाए, जब से हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हुआ है तब से 135 लोगों ने अपनी जानें जो है इस मानसून के चलते गंवाई हैं और लगातार जिस तरह से प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन जो है इसके पीछे विशेष कारण माना जा रहा है और समय से पहले मानसून का हिमाचल प्रदेश में दस्तक देना और इसी के साथ 15 अगस्त तक फिलहाल जो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है तो 15 अगस्त तक इसी तरह से मौसम जो है वो प्रदेश की जनता को सताता हुआ नजर मिले आएगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MHN प्राइम, शिमला। बीते 9 जुलाई को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में किराना स्टोर पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इसी मामले में दूसरे आरोपी को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरी वारदात में करीब 3 लोग शामिल थे, जो कि जेल में रहने के दौरान 2 लोग आपस में दोस्त बने, तो वहीं तीसरे साथी को लेकर जैसे जेल से बाहर वो आए तो तीसरे साथी को लेकर उन्होंने जो है इस वारदात को अंजाम दे दिया। तभी से पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी थी, तो वहीं फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर एक आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरे आरोपी को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ACP क्राइम अमन यादव ने बताया कि तीनों आरोपी जो है वो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनमें से 2 आरोपी
जेल के दौरान दोस्त बने, तो वहीं तीसरा आरोपी जो है वो बाहर आने के बाद इनके संपर्क में आया, जिसके बाद तीनों ने संपर्क में आने के बाद इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन तीनों आरोपियों पर अलग अलग राज्यों में करीब 10 मुकदमों से ज़्यादा जो है वो मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और आरोपी है जिसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही और इस आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की बात कही। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने को लेकर पंजाब सरकार के लगातार प्रयास जारी हैं और इसी कड़ी में आज पंजाब के 72 प्रिंसिपल जो सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं उनको सिंगापुर के लिए रवाना किया गया। इससे पहले दो बैच जो हैं वो सिंगापुर के लिए रवाना किए जा चुके हैं। CM भगवंत मान की ओर से जो सिंगापुर की प्रिंसिपल अकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेकर जो है पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो दे रहे हैं और आज तीसरा बैच जो है CM भगवंत मान की ओर से रवाना किया गया जो सिंगापुर की प्रिंसिपल अकेडमी में ट्रेनिंग लेंगे। CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने को लेकर लगातार प्रयासरत है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है लगातार ऊपर उठाया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग प्रयास जो है पंजाब सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे वो इसरो के लिए स्टूडेंट्स को भेजना, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है पंजाब के सरकारी स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखी थी, इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग जो है सरकारी स्कूलों में शुरू की गई है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की गई है ताकि पेरेंट्स जो है बच्चों अपने बच्चों के बारे में अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में टीचर से जान सके। तमाम तरह के प्रयास जो है पंजाब के शिक्षा विभाग की ओर से पंजाब सरकार की ओर से जो है पंजाब में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने को लेकर जो है वो किए गए हैं। CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार जो है हर स्तर पर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने को लेकर प्रयासरत है और आगे भी ये प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज। करनाल पहुंचे कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल, करनाल के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 18 में लोगों से जनसंवाद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल नगर निगम में जो है एक बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा तकरीबन हरियाणा के 12 ज़िले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 6 ज़िले घग्गर नदी के पानी से प्रभावित हुए हैं। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं आज जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जिस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल किया गया कि किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा कब तक मिलेगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा जल्द ही जो आकलन लगा के किसानों का मुआवजा जल्द ही मिल जाएगा। वहीं बीते दिनों जो बाढ़ से प्रभावित कई इंद्री के गाँव में, तो और इंद्री का पानी जब दिल्ली पहुँचा था तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर कहीं ना कहीं राजनीति ठीक नहीं है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से कल के कार्यक्रम को लेकर भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।